मॉड्यूल 72 मार्जिनल इनपुट कास्ट मार्जिनल इनपुट कास्ट बेसिकली एक रोल प्ले करेगी इन द डिटरमिनेशन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिमांड फॉर इनपुट जब आप मार्जिनल इनपुट कास्ट कहोगे तो ये क्या है दिस इज दिस इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट और मार्जिनल इनपुट कास्ट इज यूजली इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट मैं अगर मैं बात करूं कि देर इज ओनली वन वेरिएबल फैक्टर और वो वेरिएबल फैक्टर है लेबर देन मार्जिनल इनपुट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगी दैट इज वेज रेट जी किस वेज रेट पे आप एक एडिशनल लेबर हायर कर सकते हो अगर मैं बात करूं कि फार्मर इज यूजिंग ओनली कैपिटल ओनली वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन इज कैपिटल देन मार्जिनल इनपुट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी इट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल वट इज चेंज इन Cost because of change because of increase in capital by one unit. अगर हम marginal input input cost of land की बात करें तो इसकी cost क्या होगी? That is rent. के what is change in cost because of change in land by one unit. अब इस concept को भी elaborate करने के लिए again वो ये एक hypothetical table जिसमें हम agriculture output भी report कर रहे हैं लेबर भी रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे यहां है? कि फार्मर इज मेकिंग प्रोडक्शन बाई यूजिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ लेबर आवर्स और बाकी सब चीजें क्या हैं कॉन्स्टेंट अगेंस्ट द गिवन क्वानिटी ऑफ अदर इनपुट देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड लेबर आवर्स हाँ जी आप लोगों ने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की भी अंडरस्टैंडिंग है कि दैट इज चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन इनपुट बाई वन यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को तो मेरे पास बन जाएगा मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट और अगर मेरी एजम्पन हो कि जी कॉस्ट टू टू गेट एन एडिशनल लेबर आवर वो इज इक्वल टू फाइव है और फार्मर का कोई कंट्रोल भी नहीं है अबाउट द वेज रेट दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट तो ये कॉस्ट क्या है दिस वेज रेट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट हिज प्रोडक्शन थ्रू आउट द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट अब अगर इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली शो कर दें तो ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है क्या जी मार्जिनल इनपुट कॉस्ट अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट लेबर आवर्स यूज बाई जी क्या इंडिकेट कर रहे हैं देयर इज नो चेंज इन मार्जिनल इन मार्जिनल इनपुट कॉस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन लेबर यूज क्या जी मार्जिनल इनपुट कॉस्ट क्या है वो आपकी कॉन्स्टेंट है

तो ये बेसिकली हमें हेल्प आउट करेगा टू डिटरमिन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिमांड फॉर इनपुट हां जी मुझे कितनी डिमांड फॉर इनपुट करना है ये मुझे हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल इनपुट कॉस्ट और ये मार्जिनल इनपुट कॉस्ट क्या है दिस इज कॉस्ट अगेंस्ट गिवन लेवल ऑफ इनपुट क्या इट इनफैक्ट रिपोर्ट्स चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन इनपुट बाई वन यूनिट अगर हम मार्जिनल इनपुट कॉस्ट को सारी डिस्कशन को समराइज कर दें तो ये मुझे बेसिकली हेल्प आउट करता है फार्मर को के वेवल ऑफ इनपुट ही शुड यूज टू मैक्माइज हिज प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल इनपुट कॉस्ट है क्या इट इज इनफैक्ट चेंज इन कॉस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन इनपुट बाई वन यूनिट और मार्जिन इनपुट कॉस्ट आर इंक्रीज इनफैक्ट मार्जिन इनपुट कॉस्ट है क्या ये बेसिकली इंक्रीज है इन वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट बाय वन यूनिट